Systems actually is developing an automated application to replace a time-consuming manual process. It is assumed that the number of errors under this application process follows a poison with mean 6. This is the number of errors. Okay? The actually wants to perform an analysis on the error state for the automated process using the sample mean x bar. Set.c 2022 to initialize the generator. Determine the first question here. Let me create a new sheet. तो यहां हमें आंसर वन पहला बोल रहा है डिटरमाइन एन एस्टिमेट ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार बाय इम्प्लीमेंटिंग 5000 रेपिटेशंस ईच इन्वॉल्विंग अ सैंपल साइज ऑफ 150 फ्रॉम पॉइजन प्रोसेस यू शुड सेव इट इन एक्स बार. सो बेसिकली हम लोग को 5000 वैल्यूज ऑफ एक्स बार चाहिए. ईच एक्स बार इज अ मीन ऑफ 150 वैल्यूज टेकन फ्रॉम पॉइजन 6 डिस्ट्रीब्यूशन. लूप रन करेंगे वेरी इजी. सो सबसे पहला पार्ट सीड वैल्यू ले लो 2022. देन बोला है एक्स बार का रिपीट 0 5000 टाइम्स. ठीक है. एंड देन फॉर लूप आई इन 1 से लेके इट विल गो फॉर 5000 टाइम्स. एंड कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग एक्स का वैल्यूज निकालेंगे या डायरेक्टली एक्स बार आई में डालना है डायरेक्टली करें इंस्टेड ऑफ, चलो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होता है. तो अपने आर पॉइज 150 वैल्यूज कॉमा 6. ठीक है, इसका हमें एक्स बार का आयत वैल्यू में डाल देंगे मीन ऑफ एक्स. यस और नो, आई सॉरी एक्स बार रन करो. पहले एक्स बार रन कर दिया हमने, ये रन करो पूरा. एंड प्लीज एक्स बार पूरा मत रन करना, 5000 वैल्यूज आ जाएंगे. आई एम जस्ट चेकिंग द फर्स्ट 6 वैल्यूज, देन आई एम टेकिंग द मीन बिकॉज मीन निकालने बोला है. सो दिस इज द मीन. यू ऑल शुड गेट द सेम आंसर बिकॉज वी आर यूजिंग द सीड वैल्यूज. एंड वार ठीक है. देख लो ठीक है ना. नेक्स्ट करें. द एक्चुअली रिकॉल्स दैट अ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज बाय रेफरिंग टू द सी एल टी. सो बेसिकली एक्स बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ द सैम्पल साइज. 150 है हमारा ईच सैम्पल साइज, तो इट इज फाइन. मतलब आप एक्स बार यूज कर सकते हो, सी एल टी यूज कर सकते हो. राइट डाउन द अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बाई यूजिंग सी एल टी. तो आप लोग क्या लिखोगे बताओ. अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सी एल टी. हाँ दीपाली बोलो. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विल बी नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. एन यस
तो सिग्मा स्क्वायर बाय एन, सो व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर बाय एन, व्हाट इज, ये सब मैम वैल्यूज बताओ, 0.03958 मीन क्या है, मीन मैम 5.9999744 सिक्स, सिक्स होगा ना, सिक्स होगा। आप सैंपल, आप ये क्यों ले रहे हो, आप सॉरी सिमुलेशन मैम का क्यों ले रहे पॉइजन हो, है। हाँ पॉइजन सेम है ना, तो सिक्स होगा, और पॉइजन का सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, वेरियंस सेम एंड मीन आर सेम, तो सिक्स होगा डिवाइडेड बाय एन क्या है 150, तो 6 by 150 इज 0.04 0.04, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे अच्छे से, पूरा समझा के एक लाइन लिख रहे हैं, तब जाके आपको 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट, कंपेयर द अप्रोक्सीमेशन इन पार्ट टू एंड योर आंसर इन पार्ट वन। सो अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन हमें कितना मिलना चाहिए, मीन आना चाहिए 6, विच इज वेरी क्लोज 5.999, एंड वेरियंस आना चाहिए आपका 0.04, ठीक है, विच इज अगेन वेरी क्लोज। तो आप लोग बोलोगे द मीन एंड वेरियंस फ्रॉम पार्ट वन आर वेरी क्लोज टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्ट टू, दिस इज एक्सपेक्टेड एज वी आर डूइंग 500 सिमुलेशंस। सो व्हेन यू आर डूइंग 500 सिमुलेशंस, इट्स बाउंड टू हैपन दैट योर आंसर विल बी वेरी क्लोज टू 6 स्क्वायर। कैसे लिख दिया मुस्कान, पॉइजन प्रोसेस का मीन एंड सिग्मा स्क्वायर आर सेम, मीन एंड वेरियंस 6 होता है, 6 स्क्वायर कहां से लिख दिया, गलत है। आप लोग इधर मिस्टेक्स मत करो ऐसे छोटे छोटे। नेक्स्ट इज एन एक्चुअली वॉन्ट्स टू जस्टिफाई यूजिंग द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बाय कंपेयरिंग ऑल द क्वांटाइल्स इन वन गो ऑफ एक्स बार एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्यू क्यू प्लॉट। सो यूजिंग द क्यू क्यू प्लॉट आपको ये जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है वो कंपेयर करना है, तो आप किसको प्लॉट करोगे, एंड वेन यू आर कंपेयरिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ, तो हम लोग क्यू क्यू प्लॉट के बदले क्यू क्यू नॉर्म यूज कर सकते हैं, तो हम लोग किसके कौन सा चीज प्लॉट करेंगे इधर बोलो, एक्सपायर एक्स बार, वेरी गुड, एक्स बार प्लॉट करो सी, एंड आप एक ए बी लाइन प्लॉट करते हो, बट सिंस दिस इज अ क्यू क्यू नॉर्म, सो क्यू क्यू नॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, क्यू क्यू नॉर्म क्यों क्यू क्यू लाइन प्लॉट करते हैं, क्यू क्यू लाइन एक्स बार, है ना। देखो ये आपका आ गया, इसको अगर आपको रेड देना है कलर कर सकते हो आप, एंड मे बी अगेन LWD यू कैन हैव टू, ठीक है। तो आपको दिख रहा है टू बहुत ज्यादा वन, ठीक है, तो आपका यहाँ आप क्या बोलोगे, जस्ट लेट मी, तो इस पे कमेंट कैसे करेंगे बताओ, मिडिल वैल्यूज पूरे ऑन द लाइन है, ठीक है, पार्ट 5 आई गेस इज द कमेंट, एंड फॉर द लोअर टेल, फॉर द लेफ्ट टेल हम लोग क्या बोलेंगे, जितने वैल्यूज होने चाहिए उसके ऊपर है, स्लाइटली ऊपर है, एंड फॉर द अपर टेल जितने वैल्यूज होने चाहिए उसके स्लाइटली नीचे है। सो दिस इज नॉट अ बनाना शेप, दिस इज नॉट अ बनाना शेप, मतलब देर इज नो स्क्यूनेस, है ना, बनाना शेप नहीं होने का मतलब देर इज नो स्क्यूनेस। तो आप लोग स्क्यूनेस के बारे में प्लीज कुछ कमेंट मत करना, सो यू विल जस्ट से दैट अकॉर्डिंग टू द क्यू क्यू प्लॉट वी कैन से दैट द एक्स बार हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज वेरी सिमिलर, एंड देयरफॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर योर एक्स बार, फॉर द मिडल वैल्यूज इट्स एग्जैक्टली ऑन द लाइन, फॉर द लोअर टेल वैल्यूज जितना होना चाहिए इट्स स्लाइटली अपर देन दैट, एंड फॉर द अपर टेल वैल्यू इट्स स्लाइटली लोअर। तो हमारा लोअर इसका क्या मतलब होता है, लाइटर अपर टेल है और लाइटर लोअर टेल है, दोनों लाइटर है, लाइटर अपर टेल क्योंकि जितना होना चाहिए उससे कम है और यहाँ जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, सो इट्स लाइटर लोअर टेल एंड लाइटर अपर टेल, वेरी गुड मुस्कान। सो द अप्रोक्सीमेशन कैन इम्प्रूव इफ यू इंक्रीज द सैंपल साइज, मे बी अभी सैंपल साइज कितना है मुस्कान, अभी व्हाट इज द सैंपल साइज, 150 150, बहुत लोग 5000 बोल देते, नहीं 150 सैंपल साइज है जिसको आपने 5000 बार निकाला है, सो 150 को अगर आप और इंक्रीज करोगे तो हो सकता है आपको बेटर अप्रोक्सीमेशन मिले। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट क्विकली, आंसर टू।
An insurance company designed a new product and wanted to assess its clients' responses to the product. A survey was carried out, giving an opportunity to each participating client to give a positive or negative response to the product. X is a random variable representing positive responses. Identify the distribution of X. Kya hoga? Binomial. Kaise binomial? Pura bolo. Binomial what? Binomial n comma p, where p is the number of positive responses out of n. Very good. So X can follow binomial n comma p. N is the total number of clients. ऐसे नहीं होता, पूरा लिखना पड़ेगा. N is the total number of clients who are surveyed and P is the probability of getting a positive response to the product from the client. Very good. Next, out of 160 clients who responded independently, 101 gave a positive response. The probability of obtaining a positive response for the product is denoted by theta. So, you know, instead of P, they have used theta. And a beta distribution. प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब थीटा क्या फॉलो करते हैं, बीटा. अच्छा, हम लोग क्यों, आप लोग ने कभी सोचा है हम लोग क्यों प्रोबेबिलिटीज को यूजली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कराते हैं? बिकॉज बीटा का आउटपुट क्या होता है? वेरी गुड. बीटा का आउटपुट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, ठीक है ना? तो यूजली आप देखना प्रोबेबिलिटीज को हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कराते हैं. The posterior distribution of theta is given to you. X is the number of positive responses obtained using n clients. Specify the posterior distribution of theta with its parameters. So, posterior distribution of theta kya ho raha hai yahan pe? Ye dekh ke kya pata chal raha hai? Beta. Theta hi hai. To aap log khol lo na, aap log table book mein beta distribution khol lo. Beta with parameters what? Parameters with all? X plus A comma N minus X plus B. X plus alpha comma? N minus X plus beta. Kyunki kya hota hai? P to the power alpha minus 1 and 1 minus P to the power beta minus 1. Toh yahaan pe aapka ye ek parameter ho gaya X plus alpha aur ek ho gaya N minus X minus plus alpha. Toh aapko na clearly likhna hoga. Aise nahi karenge. तो आप लिखोगे थीटा, द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा इज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स अल्फा प्लस एक्स. एक्स कितना है? 101 है नंबर ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज. सो ए प्लस 101 एंड ये हो जाएगा एन. एन इज 160 माइनस एक्स 101 प्लस बी. तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिख देंगे, 59. ये पूरा लिख समझा देना 59 कैसे आ रहा है. सो यू विल से दैट द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा विल फॉलो बीटा विथ पैरामीटर्स अल्फा प्लस एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस 101 कॉमा एन माइनस एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 59 प्लस बीटा. ये पूरा ऐसे लिख देना. Next, comment on the prior distribution of theta in relation to the posterior distribution. क्या बोलेंगे? Both the prior and posterior belong to the same family. Same family. Conjugate. Very good. So both the prior and posterior distributions are from beta distribution, which is the same family. So we have a conjugate. Prior. Conjugate prior क्या होते हैं? When your prior and posterior have the same distributions. Very good. ये पूरा theory था. अब state the parameter values for which the prior is a uniform 0,1 distribution. क्या बोलेंगे? Beta 1,1. मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि for the prior distribution, हमारा prior distribution क्या है? बोलो, हमारा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा बीटा. अब वो कैसे हमारा जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूनिफॉर्म बना सकते हैं? यूनिफॉर्म का मीन क्या होता है? 0 plus 1 by 2. तो 1 by 2. बीटा का मीन क्या होता है, एक बार देख के बताना. अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा.
अल्फा प्लस अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एंड वो क्या हो जाते हैं आपका, सो अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू 0.5 फॉर अस, एंड वेरिएंस क्या होता है। तो वैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वैसे इक्वेट करके भी बोल सकते हो, तो आपका बनेगा बीटा 1.1। अगर हम बीटा 1.1 लेंगे, दिस विल बी सिमिलर टू अ यूनिफॉर्म 0.1 डिस्ट्रीब्यूशन। मैम अगर हम मीन एंड वेरिएंस की जगह मीन और पीटीएफ को इक्वल कर दे तो सेम ही बात है। हाँ नहीं, मीन एंड पी कर सकते हैं, बट यूजुअली मीन एंड पीडीएफ को इक्वल नहीं करते, ठीक है, कर मैम सकते हैं, बट हाँ बोलो। हाँ ये वाला पार्ट रिपीट कर दीजिएगा। मतलब बोला है कि ऐसा क्या पैरामीटर वैल्यूज होगा बीटा का जिससे वो आपका यूनिफॉर्म के जैसा बन जाए। तो हम लोग ने मीन वेरिएंस इक्वेट किया है, तो आपकी दो अननोन है, दो इक्वेशंस आ गए, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0.5 ना, मीन ऑफ पोस्टीरियर मीन ऑफ बीटा इक्वल्स मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वेरियंस ऑफ आप वो कर दोगे तो वो भी हो जाएगा, ओके या फिर पीडीएफ को भी आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक ओके है। नेक्स्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पार्ट 5 इज प्लॉट अ प्रायोर डेंसिटी ऑफ थीटा विथ पैरामीटर्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 4, सेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाई एक्सिस टू 12। तो हमें क्या बनाने बोला है, प्रायोर डेंसिटी ऑफ थीटा बनाने बोला है, तो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट विल जनरेट एक्स वैल विच वुड बी सीक्वेंस ऑफ 0 1 वेरी गुड, रुक जाओ पॉइंट जीरो रुक वन जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सो बेसिकली पहले हम लोग को एक्स एक्सिस में हम लोग को प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी चाहिएगा, एंड पी का वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1। तो हम लोग सबसे पहले एक्स वैल्स जेनरेट करेंगे, लेट्स से वी आर टेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ 0 से 1, एंड बाय आप ले लो 0.01, ठीक है, ये आपका एक्स वैल हो गया। अब इस पे आप क्या प्लॉट करोगे, कौन सा फंक्शन, डी बीटा आप यूज करके प्लॉट करोगे। सो स्ट्रेट अवे प्लॉट फंक्शन एक्स वैल्स डी बीटा, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन बोला है, एंड इसमें हम डालेंगे एक्स वैल कॉमा 1.1, क्योंकि इन्होंने पार्ट 4 के लिए बोला है। एक बार इसको प्लॉट कर दो, देखो ऐसा आ रहा है, बट वी कैन यूज अ लाइन चार्ट, सो टाइप इक्वल्स एल होगा, एंड आप लोग एक्स लैब वाई लैब दे देना, वाई लैब के लिए इन्होंने बोला है टू कीप इट विद इन 12, अरे सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, वाई लैब नहीं होगा, वाई लिम होगा, 0.12, ठीक है, एंड आप लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेबल कर दो। वाई एक्सिस हो जाएगा डेंसिटी, एक्स एक्सिस हो जाएगा पी, एंड ऊपर दे दो प्रायोर डेंसिटी ऑफ थीटा, प्रायोर डेंसिटी ऑफ थीटा, ठीक है, इसको रीनेमिंग कर देना, मैं नहीं कर रही हूं। पार्ट बी बोल रहा है प्लॉट अ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा ऑन द सेम ग्राफ, तो इसी ग्राफ पे हम लोग को पोस्टीरियर का करना है, तो पोस्टीरियर का भी हमें पता ही है, तो लाइंस फंक्शन यूज करेंगे, एक्स वैल कॉमा डी बीटा, एंड इसमें हमारा वो क्या हो जाएगा, अच्छा अल्फा बीटा 1 एंड 1 ही लेना है, ठीक है ना, तो हमारा डी बीटा एक्स वैल कॉमा ये क्या हो जाएगा, 1 अल्फा प्लस 101 था ना, तो ये हो जाएगा 102
आप लोग को अगर अलग से भी दिखाना है जैसे 101+1 या फिर आपको अल्फा बीटा अलग से लेना है वैल्यूज, अल्फा के लिए 1 एंड बीटा के लिए 1, एंड देन यहाँ पे आपको एड करके दिखाना है एक्स प्लस 1 एंड एन माइनस एन और एक्स अगर आपने अलग अलग लिया है जैसे ऊपर वाले पार्ट में, तो आप कर सकते हो एक्स को अलग एन को अलग भी आप दिखा सकते हो, नो इश्यूज. एन इज 106 माइनस 101. मैम इट्स 160 है. एंड क्या करते हैं प्लस 1 बीटा के लिए. ठीक है, अगेन आई विल राइट टाइप इक्वल्स एल कलर रेड. देख लो, यू विल हैव टू एड अ लेजेंड टू द ग्राफ सो दैट द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कौन सा क्या है. लेजेंड कैसे ऐड करते हैं, सपोज यहां ऐड करना है हमें, सो लेट्स राइट टॉप लेफ्ट, आप टॉप राइट में भी कर सकते हो. टेक्स्ट में आपको डालना है पोस्टीरियर एंड प्रायर, ऐसे आप अलग अलग लिख सकते हो. सो प्रायर इज यूनिफॉर्म 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन या बीटा 0,0, बीटा 0, बीटा 1,1 भी लिख सकते हैं, इट्स ऑन यू. पोस्टीरियर ठीक है. कलर दे देंगे, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर्स हाउ टू डू दिस. एल टी वाई इज 1, देख लो. That's how you add a legend. Ma'am, if we just write a comment about describing the lines, then will it be okay? No, you'll have to add a legend. It's kya hai matlab, kya lagta hai legend add karne mein? It's like top left likha, kya name likhne, colors de diya, line type de diya, khatam. गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग दीज बेसिक थिंग्स बिकॉज सी एस टू में बहुत ज्यादा हम लेजेंड यूज करते हैं. अभी से आप बेसिक कार नहीं कर पाओगे तो सी एस टू विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. ठीक है ना, डन है. अब इसके बाद बोला है एन एनालिस्ट कंसल्टेड बाय द कंपनी सजेस्ट दैट based on previous experience a beta prior. अब इन्होंने नया beta distribution दिया है of prior distribution basically is appropriate. Plot a new prior and posterior on the same graphs. तो अब same graph में हमें नया नया बनाना है. It would have been a lot better अगर हम alpha beta अलग ले लेते तो मुझे functions change नहीं करना पड़ता, but ठीक है, xval d beta xval हो गया. इधर हम क्या ले लेंगे, 101+40 है ना, यस और नो? दिस इज फॉर द पोस्टीरियर. इसके पहले आप एक काम करो, इसके पहले आप प्रायर का भी बना दो. सो 101 नहीं होगा इधर, खाली आपका 40 होगा, दिस इज 24. तो ये हम बना रहे हैं, इसको मैं दे देती हूँ ग्रीन कलर से या फिर ब्लू से, वॉट एवर यू फील लाइक. ठीक है, दिस इज योर, देख लो, प्रायर एंड 40 प्लस हो जाएगा इधर 24. ये हम कर देंगे आपका प्रायोर पोस्टीरियर, तभी इन्होंने 12th तक बोला होगा ना, एकदम 12th तक जा रहे. अब एक नया लेजेंड बनेगा इसी के ऊपर, तो
top left. प्रायोर के लिए हम सीधा ऐसे लिख देते हैं बीटा 40.24, पोस्टीरियर हो जाएगा बीटा 141.59+24 विच इज 3. इधर पे भी यू कैन डू बीटा 40.24. देख लो इसको बनाओ एंड देन दे हैव आस्क्ड अस टू कमेंट ऑन द प्लॉट्स. तो क्या कमेंट करेंगे कि बीटा 40.24 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो हमारा आ रहा था ना, ये जो स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन हमने क्या प्लॉट किया था, ये स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट किया था बीटा 1.1, फिर हमने प्लॉट किया उसके ऊपर पोस्टीरियर. तो ये जो बीटा 1.1 है एंड 40.24 है, दिस हैज मोर इंफॉर्मेशन व्हेन यू कंपेयर इट विथ यूनिफॉर्म, क्योंकि जो पोस्टीरियर के ज्यादा क्लोज है, पोस्टीरियर के ज्यादा क्लोज कौन सा हुआ, ये ब्लैक लाइन या ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन. सो द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन 40.24 इज मोर क्लोज ना, तो आप बोलेंगे कि इट हैज मोर इंफॉर्मेशन एज यू कंपेयर इट विथ यूनिफॉर्म 0.1 का जो प्रायोर है विच इज बीटा 1.1, सेम थिंग. एंड सेम इज रिफ्लेक्टेड बाय योर डेंसिटीज. सो ये जो पोस्टीरियर आपका रेड वाला है and you compare the posterior with the green one, तो green वाला जो posterior है वो ज्यादा narrow है when you compare it with the red one. इसका क्या मतलब है, अगर prior distribution में आपका ज्यादा information होता है, मतलब आप ज्यादा weightage prior को दे रहे हो rather than posterior, तो अगर आप blue वाले को ज्यादा weightage दे रहे हो which has comparatively more information as compared to this black line which is of your uniform 0.1, तो this has more information and if this has more information the posterior of this will has less information which is green वाला line which has a narrower distribution compared to the red one. वही चीज खाली आपको लिखना है और कुछ नहीं, इसको complete करो और ये answer read कर लो यहाँ से. हाँ बोलो बोलो मैम, बट नैरोअर इसका मतलब ऐसे होता है कि लेस इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसे कहते हैं कि वो बेटर है क्योंकि वो हमें ज्यादा बता रहा है कि इसके बीच में ही लाई करेगी वैल्यू. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कौन सा बेटर है कौन सा खराब है, वो आप नहीं बोल सकते अभी. वो आप कैसे बोल सकते हो, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है ये चीज बताने की कौन सा बेटर है कौन सा खराब है. फिर नैरो के रिलेटेड हम क्या कमेंट करेंगे, ये रीड करो, जस्ट इट्स नैरो, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू से इट व्हिच इज बेटर व्हिच इज नॉट. ठीक है, डेटा नहीं है ना कि बोल पाए कौन सा अच्छा है कौन सा खराब.
नेक्स्ट करें. बन गया सबका ग्राफ. द कंपनी विल पुट द न्यू प्रोडक्ट ऑन द मार्केट ओनली ऑन द ओनली इफ देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट थीटा इज हायर देन 60%. पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर 60% से ज्यादा होगा तो ही हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे. Calculate the probability that theta is greater than 0.6 given x. In case both priors, that is dono prior distribution ke case mein, aapko ye batana hai. So basically kya karna hai? Given x, matlab given the number of positive response which is 101. So basically aapko kaise nikalenge pehle wale ka? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा फंक्शन, पी बीटा. तो आप ग्रेटर देन बोले तो 1 माइनस कर सकते हो या लोअर टेल फॉल्स कर सकते हो, एनी विच वे. पी बीटा 0.6 से बड़ा होना चाहिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 101 प्लस 1 कॉमा 160 माइनस 101 प्लस 1 फॉल्स. देख लो. अच्छा ये मैंने ऊपर कर दिया क्या, क्या क्या पार्ट 8 है ये. ओके ये आ रहा आंसर. एंड सेम वील डू फॉर द नेक्स्ट बीटा विच इज 101 प्लस 40 हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा 24. तो दोनों केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी हायर देन 60% बोला है क्या इन्होंने. कमेंट ऑन द आंसर. सो वी कैन कमेंट दैट व्हेन यू आर यूजिंग द बीटा 40.24 प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गेटिंग अ स्लाइटली हायर चांस दैट द प्रोबेबिलिटी of customers reacting positively to the product or reacting 60% more than 60% consumers reacting positively to your product is higher. Also we can say that the difference between the two prior jo hamara aaya na 0.78 and 0.89 ये हमारा क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्टीरियर. पोस्टीरियर कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो ना, थीटा गिवन एक्स. थीटा गिवन एक्स इज पोस्टीरियर. सो ये जो डिफरेंस बिटवीन पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशंस है एंड डिफरेंस बिटवीन आपका इधर पे प्रायर डिस्ट्रीब्यूशंस था, ये बहुत ज्यादा था बट ये बहुत कम है. तो अगर ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा था प्रायर का, सो वॉट यू कैन से इज दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ, कमिंग फ्रॉम एक्स, आपका जो सैंपल डेटा है रादर देन द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों, क्योंकि यहाँ प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन का देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा था, ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन, बट इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी थीटा गिवन एक्स होता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस इज वेरी लो, ठीक है, द डिफरेंस इज लो, बट व्हेन यू कंपेयर दिस ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन दिस इज क्वाइट हाई. सो ऑब्वियसली यू कैन से दैट द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम योर डेटा विच इज एक्स रादर देन द पोस्टीरियर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा. वेरी गुड सम, इसको मार्क कर लो, वेरी गुड सम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी थ्योरी. वेरी वेरी गुड सम. एंड एट द सेम टाइम आपका पूरा प्रायर पोस्टीरियर का
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो देखो इसमें, टेक 2 मिनट्स। फोन में क्यों लग जाता है? नेक्स्ट तो करना स्टार्ट करो खुद से। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 427 का ही है। अ मेल एथलीट, बहुत इजी नहीं होता, CS1 पेपर भी बहुत इजी है। अ मेल एथलीट रन 1 माइल टू इन दीज मेनी सेकंड्स, डेट वेट सब दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है दिस वॉज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इसमें सारा दिया हुआ है। डेटा फाइल कंटेन्स द डेट्स मेजर्ड इन डेज सिंस 31 मई 1913 एंड द टाइम्स इन सेकेंड्स ऑफ ऑल न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर मेल्स ओवर द 1 माइल डिस्टेंस। मतलब
नंबर ऑफ डेज सिंस 31 मई 1913 वो दिया हुआ है, किस किस दिन पे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है, बेसिकली वो दिया हुआ है. द डेटा सेट माइल रिकॉर्ड्स कंटेन्स 32 रिकॉर्ड्स. वेरिएबल्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड डॉट डेट एंड रिकॉर्ड डॉट टाइम. यू कैन लोड द फाइल. चलो पहले फाइल लोड किया जाए. दिस कंट्रोल शिफ्ट सी. ठीक है देख लो. अरे इसको हटा देते हैं. चलो आ गया. रिकॉर्ड डॉट डेट है और रिकॉर्ड डॉट टाइम है. 32 वैल्यूज है दोनों में. सो बेसिकली रिकॉर्ड डॉट डेट इज अ डेट वहां से अभी तक का, एज इन 0 डेज, 7 7 6 डेज. तो अगर इसको समझो डेटा को, ये था 254 सेकेंड्स में किया इसने, ये था तुम्हारा जो भी मेल एथलीट ऑन 31st. तो ये 0 डेज हो गया. आफ्टर 776 डेज देयर वाज अनदर पर्सन हु केम इन जिसने 253 सेकेंड्स में किया सेम 1 माइल. फिर आफ्टर दीज मेनी डेज 250 सेकेंड्स में एक जन ने किया. तो ऐसे कर करके पूरा दिया हुआ है. प्लॉट रिकॉर्ड डॉट टाइम एज अ फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड डॉट डेट. तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? रिकॉर्ड डॉट डेट. एज अ फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड डॉट डेट बोला है. सो रिकॉर्ड डॉट डेट इज ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि हमें ये प्लॉट करना है. नहीं ओ, हमें हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना? y इज अ फंक्शन ऑफ x. सो रिकॉर्ड डॉट डेट इज अ फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड डॉट टाइम. तो y एक्सिस पे रिकॉर्ड डॉट टाइम होगा एंड x एक्सिस पे रिकॉर्ड डॉट डेट होगा. ठीक है, तो अब तुमने क्या बोला मुझे भी कंफ्यूजन हो गया. चलो प्लॉट, बट दिस इज द करेक्ट आंसर. रिकॉर्ड डॉट x एक्सिस पे रिकॉर्ड डॉट डेट होगा, ये होगा ना, रिकॉर्ड डॉट डेट एज अ फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड डॉट डेट. हाँ, एंड रिकॉर्ड y एज अ फंक्शन ऑफ x बोलते हो, ये याद रखना. ये हो गया. एक बार प्लॉट कर देते हैं. डू वी नीड अ लाइन चार्ट? आई डोंट थिंक सो. दिस इज ऑल्सो फाइन. बहुत घिचपिच हो जाएगा. एंड 32 इंडिविजुअल डेटा है. यू डोंट हैव टू सी अ ट्रेंड ओवर हियर. मतलब ट्रेंड इज ऑल्सो विजिबल एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सी द इंडिविजुअल, बिकॉज इंडिविजुअल लोगों ने ऐसा ऐसा किया है. नाउ यू विल मेक श्योर 2 मार्क्स है. सो यू हैव टू गिव अ नाइस टाइटल. टाइटल में आप क्या दोगे? न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सेकेंड्स. एक्स लैब में दोगे डेज, नंबर ऑफ डेज सिंस वॉट. नंबर ऑफ, हाँ, डेज सिंस 31st मई 1913. एंड वाई एक्सिस पे आप लोग लिखोगे न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सेकेंड्स. ठीक है, ये सब आप लोग दे देना. नेक्स्ट पार्ट 2. कैलकुलेट द पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू डेटा सेट्स. कोर क्या आएगा? नेगेटिवली नीचे जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. एंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप भी दिख रहा है हमें. सो वी सी अ स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप माइनस. जैसे जैसे टाइम, ऑब्वियसली जितना टाइम आगे जाएगा, देर विल बी न्यू पीपल कमिंग इन हु कैन ब्रेक द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड. सो इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन. नंबर ऑफ सेकेंड्स नीचे जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ सेकेंड्स तो हर बार नीचे ही जाने पड़ेंगे, तभी आपका रिकॉर्ड ब्रेक होगा. इट कैन नॉट गो अप, तब आपका रिकॉर्ड कैसे ब्रेक होगा? फिट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूजिंग दिस एज द रिस्पॉन्स एंड दिस एज द एक्सप्लेनेटरी. तो अब अगर किसी ने, जो स्मार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा भी, उसने अगर पार्ट 1 में उल्टा प्लॉट किया होता, आफ्टर रीडिंग दिस वो पार्ट 1 में जाके चेंज कर सकता है ना? क्लियर?
अगर थोड़ा स्मार्ट आप लोगों ने आप एक्ट करोगे इन एग्जाम, ऐसे बेवकूफी ऐसे बैठ के एग्जाम मत देना, अगर आपको समझ में आए, सपोज ये मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया, हो सकता है कर दिया मैंने, बट आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड ना व्हाट दे मीन बाय एक्सप्लेनेटरी. रिकॉर्ड डेट इज एक्सप्लेनेटरी, दैट नीड्स टू बी ऑन द एक्स एक्सिस, चेंज कर देना जाके. स्टेट द इंटरसेप्ट एंड स्लोप, तो इसमें हम लोग एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट एक्ट किया करो, ऐसे एकदम नर्वस होके कुछ भी अजीब से मत किया करो. पेरेंट्स कॉल करके बोलते हैं कि ये तो एग्जाम में बच्चा नर्वस हो रहा है, पसीना आ रहा है, ऐसे दे नहीं रहा, अजीब से कर रहा है, ऐसे ये सब हरकत नहीं करना एग्जाम में. ठीक है, इसका हमें खाली एग्जैक्ट समरी अगर रन करोगे तो बहुत चीजें आ जाएंगी, बट आपको एग्जैक्टली स्लोप एंड इंटरसेप्ट बोला है. तो कौन सा फंक्शन, कोएफ, मॉडल डॉलर, डॉलर कोएफिशिएंट्स निकाल लोगे या कोएफिशिएंट फंक्शन यूज कर लोगे, इट्स ऑन यू. देख लो, मैच करो आंसर. आपको ना मार्क्स तभी मिलेगा जब आप अलग से स्टेट करोगे द इंटरसेप्ट इज एंड देन यू गिव व्हाट द इंटरसेप्ट इज, द स्लो पैरामीटर इज एंड यू गिव व्हाट इज द स्लो पैरामीटर. पार्ट फोर बोल रहा है प्लॉट रिग्रेशन लाइन बाय एडिंग इट टू द प्लॉट फ्रॉम पार्ट वन. सो इसमें हम लोग एक रिग्रेशन लाइन ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कौन सा फंक्शन, ए बी लाइन, ए बी लाइन लिख सकते हो या फिर इंडिविजुअली अगर प्लॉट करना है. मैंने सिखाया था लाइंस फंक्शन यूज करके, एक्स एक्सिस लाइंस में आप लोग रिकॉर्ड डॉट डेट लिखोगे फॉर एक्स एक्सिस, कॉमा वाई एक्सिस में हम लोग को वो पूरा मॉडल प्लॉट करना है, मतलब दिस इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इनटू एक्स, दैट इज द वाई. तो वो भी कर सकते हैं, सीधा ए बी लाइन ऑफ मॉडल रन करोगे तो आपका मॉडल प्लॉट हो जाएगा. यू कैन मेक इट इफ यू वांट कलर एज रेड. देखो ऐसा कुछ है तो कलर का लिस्ट इंटरनेट पे मिल जाएगा, कलर का लिस्ट. हाँ, बट डोंट मेक इट वेरी वियर्ड. बट यूजुअली रेड यूज करते हैं टू हाईलाइट, जैसे ये किया हमने, तो डोंट यूज वियर्ड कलर्स. लाइक कुछ गर्ल्स होती हैं, नहीं बॉयज भी करते हैं वैसे वियर्ड वियर्ड कलर्स, नियॉन कलर लिख देंगे, मैंने कुछ भी लिख देते हैं अजीब अजीब, वो सब नहीं करना है. लैवेंडर कलर, फिर पता नहीं एक जन ने क्या लिखा था, नहीं लाइलैक. तो मतलब ये आप क्या कर रहे हो, आप ये कोडिंग कर रहे हो क्या, आप अपना ड्रेस बना रहे हो इधर बैठ के. चलो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है परफॉर्म अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस that the slope of the regression line is zero. ये कौन सा है, वो टेस्ट नहीं करते बीटा इक्वल जीरो वाला टेस्ट वर्सेज बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो नल हाइपोथेसिस इज बीटा इक्वल टू जीरो, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज बीटा नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसको क्लियरली आप लोग, मैंने पहना भी है लाइलैक, तो बीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो. वेन आर, अभी तो स्टूडेंट्स नहीं करते, वेन आर प्रोग्रामिंग स्टार्टेड, मतलब बेसिक क्लास में ये सब बहुत स्टूडेंट्स करते थे पहले. आजकल तुम लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हो, पहले थोड़ा लेम लेम ऐसा चीज करते थे कलर्स पे. चलो सो इसका हमें क्या निकालने बोला है, टेस्ट करने बोला है. कौन सा टेस्ट करेंगे, कोई टेस्ट करना है अपने को कि अपने सीधा समझ, कॉन्फिडेंस वैसे भी कर सकते हो, या तो आप लोग सिंपली मॉडल रन कर सकते हो एंड मॉडल का आप लोग चेक कर सकते, समरी चेक कर सकते हो कि क्या आ रहा है. तो समरी में यहाँ पे देखो आपका रिकॉर्ड डॉट डेट, दिस इज द स्लोप ना,
तो स्लोप का दिस इज द पी टी वैल्यू. अच्छा कोई वो बता सकते हैं वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मैम बीटा बीटा हैट हैट माइनस माइनस बीटा बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट. वेरी गुड. बीटा हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा. याद है हमने एक क्लास में किया था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा निकाला था, पूरा सॉल्व किया था इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला था पी स्टेटिस्टिक्स निकालो एंड देन पी वैल्यू निकालो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द समरी फंक्शन. हमने किया है, हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा निकाला है, हमने सब कुछ किया है फ्रॉम स्क्रैच. तो यहाँ पे आपका ये पी वैल्यू है एंड आप लोग सिंपली इसको मॉडल को रन करोगे. आप लोग बोलोगे द पी वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, इसको पेस्ट कर देना. हेंस वी हैव सिग्निफिकेंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी विल से दैट द बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके नेक्स्ट. फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन अज्यूम 1 ईयर हैज 365 डेज. एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड टाइम इन सेकेंड्स ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 ईयर्स आफ्टर द मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड इन दिस डेटा. सो आफ्टर द मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड, अगर रीसेंट रिकॉर्ड का हम बात करें तो ये है हमारा रीसेंट रिकॉर्ड, जो एकदम लास्ट वाला रिकॉर्ड है ये वाला. सो यू कैन मे बी एक्सट्रैक्ट दैट वैल्यू. रिकॉर्ड डॉट डेट में 32 वैल्यूज है ना. सो एकदम लास्ट वाला वैल्यू ये है हमारा लास्ट वैल्यू, ठीक है. सो बेसिकली दे वॉन्ट इस वाले डेट से, हाँ निकालना है आफ्टर 100 ईयर्स. तो मैंने एक बार डेट देखा ना कि ये वाला डेट कौन सा है जो तुम्हारा रीसेंट मोस्ट डेटा है, क्योंकि बोला है 100 ईयर्स आफ्टर द मोस्ट रीसेंट डेटा इन दिस डेटा सेट. सो ये आपका मोस्ट रीसेंट डेटा सेट है. एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव मिस्ड वन पार्ट. कमेंट, हाँ ये वाला मैंने मिस कर दिया. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तो ये आप लोग कमेंट आराम से कर सकते हो कि द प्लॉट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डेज सिंस फर्स्ट मे वट एवर जो था एंड द करंट जो भी आपका 1 माइल सेकेंड आ रहा है. द बीटा और द स्लोप इज वेरी वेरी क्लोज टू -1 विच शोज दैट द स्लोप इज नेगेटिव एंड वेरी सिग्निफिकेंट. ये हमने देखा है यूजिंग द टेस्ट दैट द स्लोप इज सिग्निफिकेंट विच कन्फर्म्स टू आर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है. तो आप लोग ऐसे करके कमेंट कर देना. दिस इज एक्चुअली पार्ट 7. अब जो हमारा ये लास्ट डेट है, इन्होंने बोला है इसका आफ्टर 100 ईयर्स एंड दे हैव मेंशन कि 100 ईयर्स को आप ले लो बाय डिफॉल्ट ईच ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज. आपको आगे फर्स्ट में या जो भी था 1916 या वॉट एवर उसके और आगे कितना डेज जाना है, इतना डेज और आगे जाना है. रादर ये आपका लास्ट है कि आपको चाहिए. तो दिस इज योर एक्स वैल्यू बेसिकली, ठीक है. या तो आप लोग प्रिडिक्ट फंक्शन यूज कर सकते हो या तो आप लोग सिंपली वो वाला अल्फा प्लस बीटा एक्स कर सकते हो. सो कोएफ ऑफ मॉडल, या फिर बेटर टू नॉट, मतलब मुझे क्या पसंद है, मुझे ऐसे मॉडल डॉलर कोएफिशिएंट्स का फर्स्ट वाला विच इज योर इंटरसेप्ट एंड देन मॉडल डॉलर कोएफिशिएंट टू, दिस इज योर स्लोप इनटू आपका ये. तो इसको एक बार मैं एक्स में डाल देती हूँ, ठीक है. 181 सेकेंड्स आ रहे हैं. यू नो दिस इज अ वे इन विच स्पोर्ट्स में डेटा एनालिटिक्स काफी ज्यादा होता है, मशीन लर्निंग काफी ज्यादा यूज होता है. नॉट इन इंडिया उतना ज्यादा, बट आप लोग जब क्रिकेट देखते हो तो उसमें ऐसे नहीं बोलता कि प्रिडिक्टेड रन रेट,
या बहुत बार ना ऐसे लोग बोलते हैं एक प्लेयर के लिए कि ये प्लेयर हो सकता है नेक्स्ट 2 इयर्स में इतना परफॉर्म करे. स्पेसिफिकली ये होता है फुटबॉल के केस में बहुत ज्यादा होता है बिकॉज फुटबॉल इज वेरी वेरी फेमस इन वर्ल्ड. तो उन लोग जो प्लेयर्स को बेट करते हैं ना खरीदते हैं दे एक्चुअली हैव ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस डन. एंड जब ये मैच चल रहा होता है सो फुटबॉल में बेटिंग भी बहुत ज्यादा होता है सो दे हैव दिस प्रॉपर थिंक कि ना बी नेक्स्ट 5 मिनट्स में वॉट इज द चांस ऑफ अ गोल और वो गोल कौन करेगा इस सब का पूरा वो रेडी रखते हैं. मतलब दे हैव अ हार्डकोर एल्गोरिदम इन सब के पीछे. जिनको इंटरेस्ट है आप लोग जा सकते हो कैगल ये सब वेबसाइट्स होते हैं जहां पे दे हैव दीज डेटा सेट्स मॉडल्स बने हुए होते हैं. बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बहुत बड़ा मार्केट है. इंडिया में इट्स कमिंग इन बट आउट ऑफ इंडिया देर इज अ ह्यूज मार्केट ऑफ मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिदम इन स्पोर्ट्स फील्ड काफी ज्यादा. ये सब ये तो बहुत ही बेसिक है जो हम कर रहे हैं अभी. चलो नेक्स्ट करते हैं. क्लियर है? एक तो आप लोग प्रॉपरली लिखोगे ये सेकंड्स में आ रहा है तो आप लोग हाँ बोलो. मैम यहाँ पे इंडेक्सेशन की जगह रिकॉर्ड डेट 32 की जगह इसमें वैसे मैक्स ऑफ रिकॉर्ड डेट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं क्योंकि इस केस में आपका जो लास्ट होगा वो ऑब्वियसली मैक्स होगा तो इस केस में आप कर सकते हो. नेक्स्ट बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड इन विच यू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बी 2 मिनट्स विच इज हाउ मेनी सेकेंड्स 120 सेकेंड्स बेस्ड ऑन द फिटेड लाइन. अब आपको वाई गिवन है आपको एक्स निकालना है ठीक है. तो आप लोग कैसे निकालोगे? y equals alpha plus beta x. तो y minus a मतलब 120 minus ये वाला पार्ट दिस पूरा थिंग डिवाइडेड बाय बीटा विल गिव यू x. यस और नो? अब बताओ ये जो आपका नंबर आ रहा है ये कैसे है? ये इयर्स में है मैम. डेज में है कि इयर्स में? सॉरी डेज में है. ये डेज कहां से है? दीज मेनी डेज फ्रॉम सिंस 31st May 1913. बट इन्होंने क्वेश्चन यहां तक आप करोगे आपको मिलेगा 2 मार्क्स और फॉर दैट मैटर इवन 1 मार्क मिलेगा आपको. मतलब यहां तक करके छोड़ दिया ना इसका आपको मिला 1 मार्क. दीज मेनी डेज फ्रॉम योर दिस थिंग 31st May 1913 बट आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज सिंस द मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड. सो आपको क्या करना है बेसिकली इस वाले वैल्यू को तो आप लोग इसको ले लो. दिस इज अ न्यू एक्स तो न्यू एक्स में डाल देंगे. दिस न्यू एक्स को माइनस करना है फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड विच इज दिस रिकॉर्ड. अब इसे माइनस करने से बताओ क्या आएगा? दिस इज व्हाट नाउ? दिस इज द नंबर ऑफ डेज सिंस द मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड एंड देन दे वॉन्ट इट इन ईयर्स सो यू विल जस्ट सिंपली डिवाइडेड बाय 365. तो देखो यहां तक करने का 1 मार्क. अब ये करोगे तो इसका 2 मार्क्स मिलेगा. 256 ईयर्स सिंस द मोस्ट रिसेंट रिकॉर्ड इज व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट that a person will finish 1 mile, male person will finish the 1 mile in 2 minutes, yeah, 120 seconds. Clear? Understood? यहां तक का खाली 1 मार्क मिलता पता है. अगर आप ये वाला आंसर लिख देते उसका खाली 1 मार्क मिलता. दिस इज फ्रॉम 31st May 1913. आपको मोस्ट रिसेंट से निकालना है तो आप ये दोनों को माइनस कर दोगे तो उससे कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं वो आ जाएगा. कमेंट ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर मॉडलिंग रिकॉर्ड टाइम एज अ फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड डेट. तो सबसे पहले सूटेबिलिटी पे हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग का जो मॉडल का समरी हमने रन किया था उसका हमारा
आर स्क्वायर आ रहा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर काफी हाई है एंड पी वैल्यू भी हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है, सो मॉडल इज सिग्निफिकेंट. ठीक है, आर स्क्वायर इज वेरी क्लोज टू वन, कोरिलेशन इज नेगेटिव, देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एंड नेगेटिव वेरी क्लोज टू माइनस वन, सो इट्स अ वेरी गुड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड टाइम एंड रिकॉर्ड डेट. एंड वी आर यूजिंग जस्ट 32 पास्ट डेटा ऑब्जर्वेशन विच इज गुड इनफ, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स आप देखो हम कितना यूज करें, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स यूज करें, सो इट्स अ गुड इनफ डेटा. बट इन द लॉन्ग रन आफ्टर 100 ईयर्स का जो हमने यहाँ पे बोल दिया, हो सकता है उस आफ्टर 100 ईयर्स में ये जो आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है दिस में नॉट होल्ड ट्रू, बिकॉज जो टाइम गैप है इफ यू सी 220 मतलब एक एक सेकेंड के वजह से भी देर इज अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड विच इज क्रिएटेड. तो हो सकता है कि ये जो आपका रिलेशनशिप हो मे नॉट होल्ड ट्रू इन फ्यूचर एज वेल. क्लियर? क्योंकि अगर आप देखो 1 माइल का हम स्टार्ट कहां से किया था हमने, 254 सेकेंड इज हाउ मच, कितना, दिस इज हाउ मच मिनट्स, 4 मिनट के राउंड, बट आप जा रहे हो सीधा 2 मिनट्स. सो डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनरियलिस्टिक कि 1 माइल, 1 माइल कितना, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा या कम हल्का, हाँ जो भी, तो कंप्लीटिंग दैट इन 2 मिनट्स इज वेरी अनरियलिस्टिक. एंड इवन आफ्टर आप ले रहे हो आफ्टर 100 ईयर्स आप 181 सेकेंड्स में करोगे विच इज अ लिटिल अनरियलिस्टिक. तो हो सकता है दिस में नॉट होल्ड ट्रू इन फ्यूचर. करेक्ट? सो यू नीड टू से बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देख 1.6, सो कंप्लीटिंग 1.6 किलोमीटर्स 1 माइल इन 2 मिनट्स इज अ वेरी अनरियलिस्टिक डेटा विच यू आर गेटिंग. रीड करो उसको अब. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. An analyst is asked to produce a report on the existing imbalance in salary in jobs. STEM, US mein STEM hai na? Abhi STEMs ho gaye. They have also included social science. Science, technology, engineering and maths. In sab mein kya salary mil raha hai to people? Pehle na science and technology, pehle na isme, people are basically, इसमें देखो इन्होंने कहीं कॉमर्स सब तो इंक्लूड ही नहीं करा, बट दे हैव नाउ मेड इट स्टेम्स. द एनालिस्ट कंसिडर्स अ सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज इन स्टेम रिलेटेड जॉब्स. फॉर ईच ऑफ दीज एम्प्लॉइज इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द स्टार्टिंग एंड द करंट सैलरी. तो बेसिकली स्टार्टिंग एंड करंट दिया हुआ है, यूनिट ऑफ 5000 है, यह याद रखना हमेशा ताकि जब फाइनल आंसर करना हो तो वो हम चेंज कर पाए. जेंडर दिया हुआ है, टाइप ऑफ जॉब दिया हुआ है. सो दीज आर द वेरिएबल्स जो कि एम्प्लॉय डॉट आर डेटा में है, इसको लोड कर लेंगे. चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला. तो सितंबर करें. कंट्रोल शिफ्ट सी. ए देख लो. सो यू हैव ये पूरा ना डेटा फ्रेम है. ये देखो करंट सैलरी है एंड सैलरी जो इनके स्टार्टिंग में जब इन्होंने जॉब लिया था तब है. जेंडर है, जॉब का टाइप क्या है वो है. सो जॉब टाइप इज बेसिकली वन इज जिन्हें
जेनेटिस्ट क्या होता है ये, कुछ डॉक्टर जी जेन जो भी, सिविल इंजीनियर, स्टेटिस्टिशियन, बायोफिजिसिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, बस ये इन्होंने यही लिया है. जॉब लोकेशन बिग सिटी, स्मॉल सिटी, एज इन योर्स एंड रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस. मतलब पहले वाले का सैलरी कहाँ से कहाँ ग्रो किया, 10.08 से 10.63 इन 12.5 ईयर्स. नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज वॉट दे मीन. दिस इज बेसिकली योर जॉब एक्स, हो सकता है कि वही ये मीन करें, बट काफी स्लो ग्रोथ है. बट दिस इज इन 5,000s, तो हो सकता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ दे आर कैलकुलेटिंग. नेक्स्ट इज राइट डाउन द कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल्स. क्या क्या है इसमें, कैटेगोरिकल कौन से हैं, न्यूमेरिकल कौन से हैं? न्यूमेरिकल कौन से हो गए, सैलरी, स्टार्ट सैलरी, एंड सैलरी इज योर न्यूमेरिकल, एज इज न्यूमेरिकल, एक्सपीरियंस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ योर्स. जेंडर 0-1 होगा. जॉब टाइप आपके 1-5, दिस इज ऑल्सो कैटेगोरिकल फैक्टर वेरिएबल जिसको बोलते हैं. एंड जॉब लोकेशन 0-1, बिग सिटी, स्मॉल सिटी इज क्योर. तो ये तीन कैटेगोरिकल हो गए, ये चार आपके न्यूमेरिक हो गए, आपको बताना है. मतलब दिस इज अ काफी अच्छा पेपर है ये, September 22 का. प्लॉटर्स कैटोग्राफ बिटवीन ईच पेयर ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स यूजिंग योर आंसर. हर एक के साथ करना है, तो क्या इंडिविजुअली करेंगे या क्या करेंगे? एंड बोला है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में ही करना है आपस में. याद है आप लोग यूज करते थे प्लॉट्स का, प्लॉट आयरिश, एंड वो अपने आप सारा प्लॉट आ जाता था. तो यहाँ पे भी सेम करेंगे प्लॉट, बट यहाँ पे देव ओनली आस्क्ड अस टू डू फॉर द न्यूमेरिक वेरिएबल्स. तो एक काम करते हैं, सारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एक साथ ले लेते हैं अपने. सो एम्प्लॉई डेटा ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स अपने एक साथ ले लेते हैं, विच इज योर डेटा फ्रेम बना दो उसका, क्योंकि एक साथ नहीं लिख सकते ना. सो इट विल हैव सैलरी डॉट करंट, सैलरी डॉट स्टार्ट, एज, एक्सपीरियंस. बस इसका प्लॉट कर देना, और क्या. देखो यू हैव अ प्लॉट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल डेटा. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट सैलरी एंड द रिमेनिंग. सो करंट सैलरी स्टार्ट ये वाला, इसके साथ हमें बाकी सबका कंपैरिजन करने बोला है. सो करंट सैलरी एंड सैलरी एट द स्टार्ट का देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर स्टार्ट सैलरी ज्यादा होगा सो करंट सैलरी ज्यादा होगा. या तो आप ये पूरा फॉलो करो या तो आप ये पूरा फॉलो करो. फिर करंट सैलरी और एज, सो दिस इज, यहाँ एक पूरा बहुत अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, बट नॉट वीक रिलेशनशिप दिख रहा है हमें, एक वीक रिलेशनशिप दिख रहा है. सो मे बी फॉर हायर एजेस यू एक्सपेक्ट, यू कैन सी अ लोअर करंट सैलरी, आई डोंट नो व्हाई. एंड फॉर यंगर एजेस, सो देर इज अ वीक रिलेशनशिप, आप क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो कि इज देर एनी लीनियर रिलेशनशिप और नॉट. एंड एक्सपीरियंस के साथ भी समवॉट वीक है, बिकॉज देर इज अगेन नो लीनियर रिलेशनशिप हैपनिंग. बट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्ट एंड करंट इज वेरी गुड, इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. एज द सैलरी एट द स्टार्ट इंक्रीजेस, द सैलरी एट द करंट सैलरी विल ऑल्सो इंक्रीज. बट एज एंड एक्सपीरियंस हैव एन अनक्लियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट सैल विद द करंट सैलरी. ठीक है, शुरू में आप एज के लिए बोल सकते हो कि देर इज एन इंक्रीजिंग रिलेशनशिप, कि एज इंक्रीज हो रहा है करंट सैलरी, बट उसके बाद बहुत हैपजर्ड है, तो आप नहीं बोल सकते क्लियरली, अनक्लियर है. शुरू में आप बोल सकते हो एट द स्टार्ट द एज इंक्रीजेस सैलरी इंक्रीजेस, बट आफ्टर दैट इट्स वेरी अनक्लियर. तो ऐसे समझा देना. यहां तक देखो ना, यहां तक ये पूरा रीजन पॉजिटिव है. नहीं, फॉर द स्टार्ट इट्स इंक्रीजिंग एंड देन आफ्टर दैट इट गोज डाउन. मतलब आफ्टर दैट इट्स नॉट क्लियर कि क्या है,
बट तुम खाली ये रीजन पे फोकस करो, ये वाला, ओनली दिस पार्ट. अगेन अगर तुम ये पार्ट नहीं भी बोलोगे तो इट्स फाइन, बिकॉज इट्स अनक्लियर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ही वीक रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप तो बन ही नहीं रहा. दिस इज एक्चुअली पार्ट फोर. बोला है पार्ट थ्री था, कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल एंड मीन फॉर द करंट योर सैलरी. तो समरी फंक्शन भी निकाल सकते हो, बट इट्स बेटर कि हम क्वांटाइल यूज करेंगे. क्वांटाइल ऑफ करंट सैलरी, कौन सा क्वांटाइल चाहिए आपको? लोअर, मीडियन, अपर. देख लो, मीन अलग से निकलेगा. आप लोग समरी भी कर सकते थे स्ट्रेट अवे, समरी से भी सब आ जाता है. फर्स्ट क्वांटाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वांटाइल. टेस्ट वेदर द प्रपोर्शन ऑफ मेल एम्प्लॉइज विद द करंट सैलरी बिलो 9.86 इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज विद द करंट सैलरी बिलो 9.86. हिंट दिया इन्होंने, सैलरी डॉट करंट जेंडर 0 से हमें वेक्टर ऑफ करंट सैलरी फॉर मेल्स मिल जाएगा. तो सैलरी फॉर करंट सैलरी फॉर मेल, करंट सैलरी फॉर फीमेल निकाल लो अलग अलग. कितना अच्छा से इन्होंने हिंट भी दे दिया है. एंड देन उसका प्रोपोर्शनल, सो प्रॉप डॉट टेस्ट करेंगे. P1 इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेल गेटिंग अ सैलरी बिलो 9.86. P2 विल बी प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल गेटिंग अ सैलरी ऑफ लेस देन 9.86. तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, मेल का सैलरी ना, सो करंट सैलरी ऑफ मेल. ऑल राइट, नल हाइपोथेसिस है दोनों सेम है, ऑल्टरनेटिव है कि दोनों सेम नहीं है. सिमिलरली सी फीमेल निकाल लो, ये हो जाएगा 1. तो दोनों का करंट सैलरी का वेक्टर्स बन गया. अब प्रॉप डॉट टेस्ट में आपको क्या चाहिए होता है, दो चीजें, नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड नंबर ऑफ टोटल काउंट. तो नंबर ऑफ सक्सेसेस आप कैसे निकालोगे, बेसिकली द नंबर ऑफ मेल हैविंग अ सैलरी लेस देन 9.86. सो ये क्यू कर दिया मैंने, नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए आप एक्स भी कर सकते हो, एक्स मेल एक्स फीमेल. सी मेल में कितने ऐसे हैं जिनका सैलरी इज 9.86, ठीक है. सेम एक्स फीमेल का करेंगे, दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस. देख लो, हमें एक्चुअली इनका लेंथ चाहिए होता है, बट और टोटल कितने हैं ये हो जाएगा. तो अब इसमें हम लोग को प्रॉप डॉट टेस्ट लगाना है. प्रॉप डॉट टेस्ट के लिए वील मेक टू वेक्टर्स, एक एक्स वेक्टर बना लो, उसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस डाल लो, विच इज लेंथ ऑफ एक्स मेल
समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या करें? सेम सब हमने पिछले वाले भी पेपर में किया था. एंड लेंथ ऑफ एक्स फीमेल, दिस इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल गेटिंग अ सैलरी, करंट सैलरी लेस देन 9.86. दिस इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज गेटिंग अ करंट सैलरी ऑफ लेस देन 9.86. इसको रन करो, चेक योर आंसर्स 26 एंड 48. एंड सिमिलरली यू हैव एन साइज ऑफ टोटल मेल रिसीविंग करंट सैलरी, टोटल फीमेल. तो यहाँ पे आप सी मेल कर दो, यहाँ पे आप सी फीमेल. एन रन करो 51 एंड 49. ठीक है, सो नाउ यू हैव दीज. अब हम लोग सीधा प्रॉप डॉट टेस्ट करेंगे. एक्स कॉमा एन, आई एम नॉट गोइंग टू द हेल्प टैब बिकॉज हमने ऑलरेडी ये लास्ट में किया है. टू साइडेड टेस्ट है तो और कुछ भी नहीं, बस इसको रन करना है हमें. एंड आप लोग को अगर मन है तो कंटिन्यूटी करेक्शन आप लोग हटा भी सकते हो. सो आप लोग करेक्ट को फॉल्स कर देना. ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर मिलेगा बिकॉज द पी वैल्यू इज वेरी क्लोज टू जीरो, विच मीन्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल. And we say that the proportion of male getting a salary below 9.86 is different than proportion of male. क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे, out of 51 male, 26 male are getting, मतलब ये below का किया है हमने. Usually हम क्या बोलते हैं, in all the these sectors, male are receiving a higher salary. That is what it proves, कि below 9.86 है ना. So out of 51, 26 are getting below. बाकी सबको उसके ऊपर मिल रहा है. एंड आउट ऑफ 49, 48 मोस्टली ऑल ऑफ देम आर गेटिंग बिलो 9.86. ठीक है, इसको कंप्लीट करो, देखो आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं. Determine the median, mean and variance of the current yearly salary for each job types. मतलब समझो क्या बोला है. For each job type, 1, 2, 3, 4, 5, हर एक के लिए आपको करंट ईयर सैलरी का मीडियन, मीन एंड वेरियंस निकालना है. तो 5 मीडियन, 5 मीन एंड 5 वेरियंसेस आएंगे. ठीक है, सो कैन यू रन अ लूप एंड यू कैन डू इंडेक्सेशन करंट सैलरी जहां पे आपका जॉब कैटेगरी इज 1, करंट सैलरी जहां पे जॉब कैटेगरी इज 2, ऐसे करके 5 वेक्टर्स बन गए. एंड इन 5ों वेक्टर्स का आपको मीन, मीडियन एंड वेरियंस निकालना. सो मेक अ लूप, ट्राई टू मेक अ लूप, देखो बनता है कि नहीं. अगर लूप वाला मेथड नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली 5 अलग वेक्टर्स बनाना एंड उसका मीन, मीडियन, मोड अलग, मीन, मीडियन, वेरियंस अलग अलग निकालना. बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस. बट अगर नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली लास्ट रिजॉर्ट. मीन में मैं मीन नहीं लिख के, लेट मी राइट कैपिटल एम, क्योंकि मीन फिर एक वो ऑक्यूपाई हो जाएगा. रिपीट 0-5 टाइम्स. मैंने कैपिटल इसीलिए लिखा है ना कि फंक्शन का नाम भी सेम हो जा रहा है तो उससे आपका इश्यू हो जाएगा, दैट्स व्हाई. सो फॉर, एक बार लूप बनाओ खुद से एंड पेस्ट इट इन द चैट बॉक्स, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट.
वही तो तुम करो ना, खुद से तुम फोन क्यों यूज करने लग जाते हैं? फोन बन गया, भेज दो यार चैट बॉक्स में, मुझे टाइप नहीं करना होगा। थैंक यू दीपाली, और भी लोगों ने भेजा है, बट आई विल कॉपी पेस्ट दीपाली का। ठीक है, तो एक्स में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सैलरी डॉट करंट, सो दिस इज मतलब ये जॉब टाइप वन जिनका है उनका सारा करंट सैलरी आ जाएगा, फिर उनका मीन, उनका मीडियन, उनका वेरिएंस। वेरी गुड, इसको रन कर देते हैं एंड देन एक एक करके मीडियन मीन वेरिएंस चेक करो आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। सेम नेक्स्ट बोला है टेस्ट एट 5% लेवल वेदर मीन स्टार्टिंग सैलरी एंड मीन करंट सैलरी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सो ये ओवरऑल के लिए बोला है, नो स्पेसिफिक जॉब टाइप, नथिंग। सिक्स का ए कौन सा फंक्शन? टी डॉट टेस्ट। वेरी गुड, टी डॉट टेस्ट करेंगे, टी डॉट टेस्ट ऑफ। तो आप लोगों ना प्लीज दिस ये फ्री गिफ्ट नहीं है, आप लोग को क्लियरली लिखना है नल हाइपोथेसिस इक्वल्स टू और एच नॉट इक्वल्स टू कैसे भी मीन स्टार्टिंग सैलरी एंड करंट सैलरी इज इक्वल, मीन स्टार्टिंग सैलरी एंड मीन करंट सैलरी आर नॉट इक्वल, वैसे करके पूरा लिखना है। सो टी डॉट टेस्ट में आपका सैलरी करंट कॉमा सैलरी स्टार्ट, और इसमें 5% ही है, सो नो चेंजेस। यार रिजल्ट्स इसमें देख लो क्या है, एक इसमें खाली ना चेक है 2 मार्क्स का, इसीलिए 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स ऐसे फ्री गिफ्ट तो वो ऑब्वियसली आपको नहीं देंगे। कोई बता सकते क्या इसमें एक चीज है जो हमें ध्यान रखना है? हमेशा ना एक बार टी डॉट एस लिख के देख लिया करो कि कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा। क्या मिसिंग हो रहा है? पेड डेटा। इज दिस अ पेड डेटा? यस बोलो, पेड डेटा है ये कि नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय पेड डेटा? सेम एम्प्लॉय का सैलरी देख रहे हैं करंट में एंड पास्ट का। पेड डेटा मतलब आप सेम आदमी को मॉडल कर रहे हो, बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे तो सेम आदमी है ना, साथ सैलरी भी सेम इंसान का है, करंट भी सेम, ऑल दीज डेटा इंडिविजुअली ये तो सेम इंसान का हुआ ना, ये भी सेम, तो पेड ट्रू हुआ ना। जैसे वो वाले क्वेश्चंस होते थे ब्लड प्रेशर, कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, पहले उनका ब्लड प्रेशर लिया गया, फिर उनको कुछ एक स्पेशल डाइट दिया गया एंड फिर उनका ब्लड प्रेशर, सो इट्स अ पेड डेटा, सो ट्रू करना है। अगर आपने नहीं किया है तो लेट्स चेक कि आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा। अगर पेड डेटा नहीं किया तो आपका टेस्ट रिजेक्ट हो रहा है, और पेड डेटा करने के बाद भी आपका टेस्ट रिजेक्ट है, सो आउटपुट सेम है, दे विल डिडक्ट 1 मार्क बेसिकली। अगर आप पेड ट्रू नहीं करोगे दे विल डिडक्ट 1 मार्क। ठीक है मैम, अगर आउटपुट डिफरेंट होता तो तुम्हारा फाइनल आंसर भी गलत होता, तो तुम्हारा उसमें भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता, सो बेसिकली 2 मार्क्स। बट तुम लोग, बट दिस इज समथिंग विच आई एम सेइंग, 1 मार्क हो सकता है 1 मार्क से ज्यादा डिडक्ट करें अगर आप पेड डेटा नहीं लोगे तो। ठीक है, सो यहाँ पे वी आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, मतलब करंट सैलरी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द करंट सैलरी। नेक्स्ट 5% लेवल मीन करंट सैलरी फॉर बिग सिटी एम्प्लॉइज इज ग्रेटर देन द मीन करंट सैलरी फॉर द स्मॉल सिटी। तो दोनों का पहले वेक्टर्स बना लेंगे, कैसे वेक्टर बनाएंगे देखू, बहुत ही इजी, मतलब इसमें पूरा इंडेक्सेशन का गेम है और कुछ नहीं है, जो इंडेक्सेशन कर लिया उसका हो गया। बिग सिटी करंट सैलरी
सैलरी डॉट करंट, और इसमें आप जॉब लोकेशन, बिक को इन्होंने क्या लिया है, वन नहीं जीरो, इक्वल टू जीरो. सेम वील डू फॉर स्मॉल. स्मॉल स्केल आ गया. अब टी डॉट टेस्ट कर दो. क्या बोला है, बिग सिटी का हायर है, तो बिग सिटी स्मॉल सिटी और क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर. और कोई चेंजेस, इज इट अ पेड डेटा? नो, इट कैन नॉट बी अ पेड डेटा. ना एक इंसान जो स्मॉल सिटी में रह रहा है वो बिग सिटी में भी कैसे रहेगा. सो इट्स नॉट अ पेड डेटा. दिस इज अ कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकता है. तो पी वैल्यू इज अगेन वेरी क्लोज टू जीरो, मीनिंग यू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, दोनों का मीन इज इक्वल. ऑल्टरनेटिव इज कि बिग का हायर है. मेक श्योर अगर आप बिग पहले लिख रहे हो तो आप ग्रेटर लिखो, अगर आप स्मॉल पहले लिख रहे हो तो लेस लिखना. ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट येस, सैलरी, करंट सैलरी ऑफ बिग सिटी एम्प्लॉइज इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ द स्मॉल सिटी एम्प्लॉइज. ठीक है, प्रॉपरली राइट नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव, ईच यू विल गेट वन मार्क दोनों का. टेल मी एनी डाउट. सिंपल इजी पेपर, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन जो हमने किया था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पोस्टीरियर एंड प्रायर वाला. अदरवाइज पूरा इंडेक्सेशन है और कुछ नहीं है. So that's it. Next class we'll be doing. हाँ बोलो. मैम जो ये मॉडल फिट का क्वेश्चन आता है उसमें जनरली क्या की पॉइंट्स हमें कंसिडर करना चाहिए? जैसे मतलब जैसे पूरा रहता है ना कि हमने अभी थॉट क्वेश्चन में किया भी था दैट मॉडल गिव कमेंट वेदर द मॉडल इज गुड फिट और नॉट. सो वी सेड के न्यूयॉर्क के लिए फिर भी ठीक है, बट पहले तो मार्क्स देखो क्या है. तो अच्छा वो ऊपर वाला क्वेश्चन का, इसका पहले तो मार्क्स देखो. इसका मार्क्स इज ओनली 2 मार्क्स. तो यहाँ हम लोग ट्राई करो दोनों चीज कवर कर पाओ. तो हमने लीनियर मॉडल में आप क्या देखते हो कि आपका जो फाइनल पी वैल्यू था पूरे मॉडल का, दैट वाज लेस देन एफ टेस्ट करने के बाद जो पी वैल्यू आता है, नोवा टेस्ट बेसिकली, वो लेस देन 5%. सो मॉडल इज सिग्निफिकेंट, कोरिलेशन के बारे में बता दिया, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये अभी का बोल दिया. फ्यूचर में हो सकता है दिस में नॉट होल्ड ट्रू. अब ये पॉइंट आप कैसे जनरेट करोगे, ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि लीनियर मॉडल में हमने पहले भी किया है ये चीज कि जब आप फ्यूचर में लेके जाते हो वो सेम, जैसे हमने याद है एक वेट और जेस्टेशन पीरियड हमने किया था, तो उसमें आप क्या बोलते हो कि अगर मतलब वो जो रिलेशनशिप है इट मे नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर ना, तो वो आप हर एक कमेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, आपको एक पेपर पे ना लिख लेना चाहिए बेसिक कमेंट्स. जैसे लीनियर मॉडल्स या मॉडल्स में एक मॉडलिंग इन जनरल में क्या क्या कमेंट्स दे सकते हैं, सैंपल साइज इज अ कमेंट, पास्ट डेटा इज अ कमेंट, उस पे आप सिमुलेशंस, नंबर ऑफ सिमुलेशंस, फ्यूचर में ये होल्ड ट्रू करेगा कि नहीं, पी वैल्यू पे कमेंट, AIC पे कमेंट, एडजस्टेड आर स्क्वायर पे कमेंट. तो ये पॉइंट्स खाली कीवर्ड्स लिख लो, but according to the marks you will have to answer. It's a 2 mark question, so just 2-3 points is fine. ठीक है, okay. और जैसे testing का question आता है तो 4 marks में should we mention null hypothesis? Definitely. चाहे वो 1 mark का भी है तभी भी आपको करना है. Okay. Okay, let's do it till here.